हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, जो कि एकदम ऑफिशियली कंफर्मेशन है। तो सभी जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करते हैं क्रिस इवांस, जिन्होंने लास्ट इसका कैरेक्टर जो प्ले करा था वो था एवेंजर्स एंड गेम में। उसी के बाद काफी सारे अपडेट्स आए, रूमर्स आए कि क्रिस इवांस इस कैरेक्टर को प्ले नहीं करेंगे। पर कहते हैं ना, समय के हिसाब से चीजें भी चेंज होती हैं, अपडेट भी चेंज होती हैं। तो क्रिस इवांस ने डेडलाइन में इंटरव्यू दिया और उन्होंने रिवील कर दिया कि वो दोबारा से मार्वल स्टूडियो फीचर प्रोजेक्ट में कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर में रिटर्न हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और देन सभी फैंस इस न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और देन आपको बता दूं कि करीब 15 से 20 दिन पहले नोमेड के भी अपडेट आए थे कि ऐसे इसके ऊपर एक टीवी सीरीज भी बन रही है। तो क्या हो सकता है कि क्रिस इवांस नोमेड कैरेक्टर के लिए रिटर्न हो डिज़्नी प्लस की टीवी सीरीज में? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ इस न्यूज को काफी ज्यादा वायरल होने के बाद क्रिस इवांस ने ट्वीट भी करा कि न्यूज टू मी हो सकता है। और देन उसी के साथ फैल्कन द विंटर सोल्जर का ऑफिशियली फैल्कन का कैप्टन अमेरिका और शील्ड वाला लुक लॉन्च करा, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो गाइस, आज के बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर कैप्टन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।